भर दे रे श्याम झोली भर दे। ये ऐसा भजन है जिससे मुझे सब कुछ मिला है। और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, आदरणीय गुरुदेव नंद किशोर नंदू जी का ये भजन लिखा हुआ है। भर दे रे श्याम झोली भर दे, भर दे, भर दे, ना बहला हो बातों में। आज आपको बताएं, बाबा का रूप देखा, पीला बाबा को तिलक छापा हुआ, लेकिन आज कुछ जगह से काला है। क्यों? क्योंकि आज बाबा को भी पसीना आ गया साहब। अपना अपना देखने का नजरिया है यार, कौन कैसे देखता है ये अपने ऊपर निर्भर करता है। आज बाबा को भी पसीना आ गया, उसने भी मोर छड़ी से पसीना पोंछा होगा, वहां से तिलक छापा हट गया होगा यार। और जब बाबा को पसीना आया है, इसका मतलब जेएमडी टेंट में खाटू वाला स्वयं आया है। इसलिए गाना पड़ेगा, आ जाओ भाई। हो हो दोनों हाथ फैला के गाना ऐसे। ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे, भर दे ना बहला बातों में, ना बहला बातों में। ओ भर दे रे श्याम, तू ही मेरा भगवान है। श्याम तू ही मेरा भगवान है। तुझे चाहूं तुझे पाऊं, तुझे चाहूं तुझे पाऊं, मेरे दिल का यही तो अरमान। पढ़ ले रे पढ़ ले रे श्याम, अब तो पढ़ ले सब लिखा है आंखों में, सब लिखा है आंखों में। एक बार गाओ सभी। ओ भर दे हे श्याम बाबा। कोई भगत ऐसा भी आया है जिसको किसी ने चैलेंज देके भेजा है, देखता हूं तेरा बाबा तेरे लिए क्या करता है। तो लाज उनकी बचानी पड़ेगी, उनकी भी नैया किनारे लगानी पड़ेगी, जो रहते ही तेरे सहारे हैं उनको अपनी झलक दिखानी पड़ेगी। दोनों हाथ उठा के समर्पण भाव से ताली बजाना। यह बात एक ये दो ये तीन ये चार लख तातार की। अपनी कितनी हुई मुलाकातें, अपनी कितनी हुई मुलाकातें।
तुझे जाना पहचाना, तुझे जाना पहचाना, तेरे झूठे हुए सारे वादे, तेरे झूठे हुए सारे वादे, भूले रे श्याम तुम तो भूले, भूले प्यार का बातों में भर दे रे, सच बताना इस बात का एहसास है कि बाबा झोली भर देगा, भरोसा भी है, आपको क्या लगता है? देखो आप खाटू जाते हो इतने सारे, एक से मिलने तुम सब जाते हो एक घर में, उसकी जिम्मेवारी देखो हर कीर्तन में कितनी बढ़ जाती है कि वो एक के घर में नहीं वो सबके घर में जाता है। आप तो एक ही घर में जाते हो, वो हर घर में चला जाता है रोज रात को, और आज किस किस के घर में जाएगा बाबा? ताली बजा कर गाना एक बार, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, जाने कब आएगा मुझे गले लगाएगा, जाने कब आएगा मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुंच गए, बुला लो दोनों हाथ उठाके, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आपको दुनिया कहेगी जब अच्छे काम में लगोगे तो दुनिया आपको खूब बोलेगी कि पागल हो गई है, बाबा के पीछे पड़ गई है, हर काम इसका बाबा करेगा बोलती रहती है, हर काम इसका बाबा करेगा बोलता रहता है। बोला करो बाबा को रोज, अगर कोई आपको बोल जाए उसे कुछ मत बोलना, क्योंकि आप जवाब दोगे तो इतना सा दोगे, जब वो देगा तो बताएगा जवाब होता क्या है, इसलिए तुम जवाब मत देना। मैंने दुनिया के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए, दुनिया के बोले सहे सांवरिया तेरे लिए। आप हजार करोड़ के आदमी हो लेकिन दो टके का आदमी कुछ भी बोल जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते, क्यों चुप हो जाते हो? इसलिए नहीं चुप हो जाते कि आपको अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है, नहीं, आप इसलिए चुप हो जाते हो कि बाबा इस पर भी कृपा करना, इस दो टके को भी कभी हजार करोड़ का बना देना यार। मैंने दुनिया के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए, मैंने दुनिया के बोल सहे सांवरिया तेरे, ये लाइनें आप गाना, मेरी नैया ओ कन्हैया, मेरी आवाज नहीं आई प्रेमियों, आवाज नहीं है, एक बार आवाज लगा दो, मेरा भरोसा है आपका हाथ पकड़ लेगा वो, एक बार, मेरी नैया ओ कन्हैया, मेरी द्रौपदी ने कहा कन्हैया, द्रौपदी ने कहा कन्हैया, अब हीरो बनने आ गया साड़ी बढ़ाने के लिए, तू चाहता तो जुए में हार नहीं ना देता, तू चाहता तो जुए में हार नहीं ना देता, अब आ गया हीरोगिरी दिखाने साड़ी बढ़ाने। कन्हैया बोला, द्रौपदी इसमें मेरी गलती नहीं है, तेरे पांडवों की गलती है। द्रौपदी बोली, कैसे? कह रही, जब सखी
जब दुर्योधन ने पासा फेंकना था तो दुर्योधन ने कहा मैं पासा नहीं फेंकूंगा, क्योंकि उसे अपने मामा पे भरोसा था। बोला मैं पासा नहीं फेंकूंगा, मेरा पासा मामा फेंकेगा। अगर तेरी ये पांडव उस समय कह देते पासा हम नहीं, हमारा पासा कन्हैया फेंकेगा, तो देखता हूं कौन हराता तुम्हें। मेरी नैया ओ कन्हैया, मेरी नैया ओ कन्हैया, पार कर दे तू मन कर हे भैया, पार कर दे तू मन कर के भैया, मैं तो हारा कम कामा, आपकी तालियां बजे और कन्हैया की बांसुरी बजे तो मजा आ जाए। जोरदार ताली, ये वीआईपी खेमा भी ताली बजाए जरा। ओ मेरी नैया ओ कन्हैया, पार कर दे तू बन कर हे भैया, मेरी नैया ओ कन्हैया, पार कर दे तू बन कर हे भैया, मैं तो हार। देखो मैंने उस कन्हैया को पुकारा, नरसी को मिलने जब आए थे ना तो नरसी को पूछा था तेरी हुंडी तेरी ट्रांसफर देने जो आएगा, नरसी ने पूछा उसका ड्रेसअप क्या होगा कैसा दिखता होगा, तो नरसी को जवाब दिया था सांवरे ने कि मैं आऊंगा पीत पीतांबर टसरे की धोती और बंसी बजाता आऊंगा। बंसी बज चुकी, पीत पीतांबर आ गया है, क्या पता नारायण इस समय इन्हीं में आया हूं। जरा दोनों हाथ खोल के ये बात, कुंती सुता पालन मेरी नैया ओ कन्हैया, मेरी नैया ओ कन्हैया, पार कर दे तू बन कर के भैया, पार कर दे तू बन कर के भैया, मैं तो हारा कम का आजा आजा ओ बंसी के, ओ आजा आजा एक हाथ उठाना, ओ ले ले रे ले ले रे, ओ ले ले रे शाम अब तो ले 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 मेरा हाथों में गाओ एक बार, ओ भारी धेरे। देखो ये बरसाना ये वृंदावन, अब देखता हूं कौन ज्यादा बोलता है। भारी धेरे अब आपकी बारी, ओ भारी धेरे ना बहला हो। मैं भी इस भजन को गा गा के बना हूं, हजारों बार इस भजन को मैंने गाया होगा तब जाके आज मैं यहां खड़ा हूं। इस भजन में इतनी ताकत है,
गाओ एक बार। मैं हूँ तेरा तू है मेरा, मैं हूँ तेरा तू है मेरा। शाम मैंने डाला तेरे दर पे डेरा, मैंने डाला तेरे दर पे डेरा। मुझे आस है विश्वास है, मुझे आस है विश्वास है। बाबा भर दे मुझे जो चाहिए वो मैं सरेआम मांगता नहीं। ये हम सब की गतिविधि है। आपका पड़ोसी पूछे क्या चाहिए तो आप सच नहीं बोलोगे बाबा से ये चाहिए, आप सेकेंडरी चीज बोलोगे, अंदर कुछ और चल रहा होगा। मुझे जो चाहिए वो मैं सरेआम मांगता नहीं, अपनी औकात प्रभु में झांकता नहीं। मैं तो धोखे काबिल था, मैं तो धोखे काबिल था, तूने सौ के काबिल बना दिया। दुनिया हंस के भी काबिल बना सकी, तूने रो के भी काबिल बना दिया। तेरा दरबार बड़ा निराला है, दरबार बड़ा निराला है। तू बिन बोले देने वाला है, तू दातार बड़ा है, तू दातार बड़ा है, बड़े ही दिल वाला है। मैंने ही मांगने में कभी कभी गलती कर दी, फिर मांगने के बाद सोचा क्यों मांग कर दी। जब बिन मांगे ही इतना मिल रहा है, क्यों मांगने में मैंने बेशर्मी कर दी। मैं हूं तेरा तू है पहली बार दिल्ली आया कीर्तन करने पीतमपुरा में। ये जो स्ट्रगलिंग लोग हैं आजकल अपने आप को स्ट्रगलिंग बोलते हैं, बाबा का भजन गाने वाला कोई स्ट्रगलिंग होता ही नहीं है यार।
कई भजन कलाकार बोलते हैं हम स्ट्रगलिंग है, बाबा का भजन मिल जाए वो कैसा स्ट्रगलिंग होगा, अरे वो तो गढ़ जीत गया साहब, ये दुनिया तरसती है भजन गाने के लिए, लेकिन तुम्हें चुना गया है, यू आर नॉट स्ट्रगलिंग, आपको तो रोज बाबा दीदार करा रहा है, देखो साहब। तो 2002 की बात है, ये झूमे रे श्याम नंदू झूमे, यहां पीतमपुरा में कीर्तन था, हमारे संजय खेमका जी उनके मंडल का कीर्तन था, तो एक भजन गाने को मिला था, वो भी बरसात में, साज बाज सब बंद था, बोले गा लो, हमने भी गा दिया साहब, गिरधर मेरे मौसम आया धरती के श्रृंगार का, तो वो गाके बस एक भजन गाने को मिला और वापस जा रहे थे मारुति 800 में। 2002 में ये चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे सिंगल सड़क होती थी, ज्यादा इतनी बड़ी नहीं थी और बन रही थी, तो 5 फुट के खड्डे में ऐसे गहराई में हमारी मारुति 800 पलट गई। अब गाड़ी के अंदर 5 लोग, अब मैं भी उल्टा, मेरे बगल वाला भी उल्टा, उसके बगल वाला भी उल्टा, जब गाड़ी उल्टी तो हम भी उल्टे, तो मैंने ऐसे आंख खोली, सो रहे थे, मैंने आंख खोली, मैं भाई सब उल्टा उल्टा दिख रहा है, बगल वाला बोला अरे सो जा ऐसी नींद में दिख रहा होगा, मैं कहा नहीं भाई दोबारा देखा है उल्टा उल्टा दिख रहा है, बगल वाले ने भी खोला बोला हाँ यार मुझे भी उल्टा उल्टा दिख रहा है, फिर आगे वाला बोला उल्टा उल्टा दिख नहीं रहा सब उल्टा ही है, बोले क्या हुआ, बोला गाड़ी पलट गई बाहर निकलो, अब पांचों बाहर निकले किसी के खरोच नहीं, और गांव वाले भागते आ रहे अरे जल्दी चलो गाड़ी में एक और है जो कुर्ता पजामा पहन के बैठा है, हम 5 तो बाहर थे साहब, छठा तो वही था जो कुर्ता पजामा पहन के, झूमे रे झूमे क्या बात करते हो साहब, रात को कीर्तन था, रात को कीर्तन भाई साहब क्या फायदा आपका, रात को कीर्तन था गांधीनगर शंकर नगर, मैं कभी भी अपना मोमेंटो साथ नहीं लेके जाता, कल रात को किसी ने मुझे श्याम बाबा दिए, तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं बोला बाबा आज गाड़ी तक साथ चलो, बोला बाबा बोला साथ चलूंगा, अब मैं ऐसे करके बाबा को कीर्तन के बाद ले जा रहा हूं, और वो जो लाइट आप देख रहे हैं 12 लाइटें जिसमें लगी होती है ये स्टैंड, पहली बार 12 की 12 लाइटें आगे गिर गई, वो गिरनी तो मेरे पे थी लेकिन जिसके हाथ में सांवरिया कैसे गिर जाती, और पहली बार ये सच्चाई है समझने की बात है, अभी असम में कीर्तन था, एक बहन बैठी थी इस तरफ 60 साल की, उसके ऊपर वो लाइट गिर गई, सिर खुल गया, जिसने कीर्तन कराया था उसे वहम हो गया कि मुझसे कहीं गलती तो नहीं होगी, किसी को चोट लग गई, अब वो माताजी रातों रात हॉस्पिटल में एडमिट कराई, रात को पट्टी बंधी, सुबह जब उसके बेटे मिलने गए डॉक्टर से, डॉक्टर कहता मिठाई खिलाओ, बोला मिठाई खिलाओ, बोला क्या हमारी माता का सिर फट गया तुम कहते हो मिठाई खिलाओ, तो डॉक्टर बोला बेटा ये गई कहां थी, बोले रात को कीर्तन में गई थी, बोला बस वही खाटू वाला है, बोला क्या हुआ, बोला 4 दिन पहले इसके सिर में ब्रेन ट्यूमर बनना शुरू हुआ है, किसी को पता नहीं लगता, उसने सिर खोल के भेजा कि निकाल दे इसका, अब इसको कैंसर नहीं हो सकता, ओ झूमे रे श्याम नंदू झूमे 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 तेरी बाहों में, दोनों हाथ उठा के झूमे तेरी बाहों में झूमे तेरी बाहों में, भर दे रे श्याम थोली भर दे ना बैना बातों में ना बैना, सच बताना आज आनंद आया कि नहीं आया, अरे सचिन बाबा इधर आओ तुम, इसके लिए ताली बजाओ यार, ये पागल आदमी है दिल्ली का, क्या बात है यार, इसका प्रेम है जिसके कारण मैं यहां खड़ा हूं, एक बार ताली बजाओ इसके लिए, दोनों हाथ उठा के बजाना, दोनों हाथ उठा के एक बार, आप चाहते हो हर साल ये कीर्तन हो, ये लोग ये कीर्तन कराएं, तो दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो, भरी दे रे श्याम
वाले एक बार हाथ उठा ले, सारे मंडल वाले एक बार हाथ उठा ले जरा, और पूरा पंडाल मंडल वालों को आशीर्वाद दे। दोनों हाथ उठा के कहना, ओ भर दे रे शाम झोली, भर दे ना बहना हाथों में ना बहना। क्या बात है दिल दियो हाथों में, बातों में